ಬುಟ್ಟಬೊಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಬೊಮ್ಮ ನನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಕುಂಟಿವೆ ಜಿಂದಗಿ ಕೇ ಅಟ್ಟಬೊಮ್ಮೈ ಜಂಟ ಕಟ್ಟು ಕುಂಟಿವೆ ಬುಟ್ಟಬೊಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಬೊಮ್ಮ ನನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಕುಂಟಿವೆ ಜಿಂದಗಿ ಕೇ ಅಟ್ಟಬೊಮ್ಮೈ ಜಂಟ ಕಟ್ಟು ಕುಂಟಿವೆ हम लोग बहुत टाइम से मिस कर रहे थे कि एक अवार्ड हो प्रॉपर्ली. मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड हम लोग के लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रहता है, सब म्यूजिशियंस के लिए, सब सिंगर्स के लिए. वी लुक फॉरवर्ड टू दिस इवेंट एवरी ईयर. एंड आपको तो पता है कोविड की वजह से इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं, जिस तरीके से हम इवेंट्स होल्ड कर पा रहे हैं इट डजेंट फील द सेम. बट नेवरदलेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो भी आर्टिस्ट हैं उनके साथ बहुत टाइम के बाद मिलूंगा, बातें करूंगा, ऑब्वियसली दूर से, सोशल डिस्टेंसिंग से. अवार्ड्स की डेफिनेशन एक्चुअली कोई भी नहीं दे पाएगा. इट्स जस्ट मुझे लगता है कि जब आपको एक अवार्ड मिलता है एक आर्टिस्ट को, तो आपको मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए और बेटर करने के लिए, ताकि यू लुक फॉरवर्ड टू अनदर अचीवमेंट नेक्स्ट ईयर. बट मुझे नहीं लगता है कि दैट्स द ओनली थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट. मुझे लगता है फैंस, ऑडियंस, सबकी जो एक चाहत होती है आपके गानों को सुनने की, आपके शोज़ पे आने की, दैट ऑब्वियसली इज़ द बिगेस्ट हाईलाइट फॉर एन आर्टिस्ट. एंड अवार्ड एक मोटिवेशन है फॉर द आर्टिस्ट टू डू बेटर. एंड इसी के साथ में इस साल भी आपके काफ़ी गाने, अभी गए हुए साल में आपके गाने भी काफ़ी हिट हुए जी, मुंबा जी. हाँ, तो किस तरीके से देखते हैं उसके सारे मतलब सक्सेस को? मुझे बहुत खुशी मिलती है जब एक नॉन हिंदी गाना पैन इंडिया हिट होता है, और पैन इंडिया हिट होने के बाद वो फिर बाहर देशों में भी सुना जाता है. डेविड वॉर्नर ने काफ़ी वीडियोज़ की उस गाने पर, वो फेमस हुआ फिर काफ़ी ऑन द सोशल मीडिया. एंड मुझे काफ़ी मतलब मेरे जो हिंदी फैंस हैं वो बोलते हैं बुट्टा बम्मा सुना दो यार, हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने. उनको समझ नहीं आता है क्या लिरिक्स है, क्या वो बोल है उस गाने के, लेकिन सुन के उनको अच्छा लगता है. सो लाइक दे से म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज. ओके, लगता है कि उसका एक हिंदी गाना भी आपको बनाना चाहिए. मुझे लगता है उसकी जो उसका जो स्पेशलिटी है वो उसी लैंग्वेज में है. अभी साइना मूवी से मेरा एक गाना आ रहा है बाहर, वो इसी महीने में आएगा. एंड देन उसके बाद नॉन फिल्म गाने हैं, थोड़े म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, हिंदी में हैं, इंग्लिश में हैं, तेलुगू में दो गाने आ रहे हैं बहुत बड़े. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर. हर एक डिफरेंट लैंग्वेज में मेरे बहुत सारे अलग अलग गाने आ रहे हैं. क्योंकि वहाँ पर उन्हें ग्रैमी मिलने में काफ़ी मुश्किलात होती है. और मैंने कल ही मेरे शो पे भी बोला था, ट्वीट भी किया था कि ज़ायन मलिक, आई थिंक यू शुड कम टू मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स, क्योंकि अकेला ऐसा अवार्ड है जो म्यूज़िक फ्रटर्निटी के लिए बनाया गया है. और म्यूज़िक फ्रटर्निटी आती है, चाहे वो सोनू निगम हो, चाहे वो यशराज मुखाटे हो, हर तरह का नाम यहाँ पर आता है. और बहुत इज्जत है इस अवार्ड्स की. एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड की, क्योंकि अभी मेरी वापसी हुई है मिर्ची पर, मेरा शो शुरू हुआ है. तो व्हेन दे सेड दैट आई हैव टू डू अ सेगमेंट विद देम, आई वाज वेरी वेरी हैप्पी. एंड मेरा मेन एम था, मुझे सोनू निगम और सोनू सूद दोनों से मिलना था. एक से हो गया, कल दूसरे के साथ हो जाएगा. ओके, इसी के साथ में जिस तरीके से आपने बताया बिग बॉस में भी आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, उसके बारे में बताइए कैसे देखते हैं उन दिनों को? जब मुझे अभी जावेद अली और सोनू सूद बोल रहे थे कि तुमने बहुत अच्छा किया, तो मैंने उनको बोला कि सर मैंने बिग बॉस में कुछ ज़्यादा तो किया नहीं. उन्होंने बोला नहीं, वही चीज़ होती है जो मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं मजाक में हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं कि आपने ज़्यादा नहीं किया तो क्या चाटा मार दो आप किसी को, आप किसी के मुँह पे थूक दो. नहीं, यू कांट डू दैट. आई एम फ्रॉम अ वेरी क्लासी बैकग्राउंड, रेडियो दिस इंटरनेशनल रेडियो, एंड आई थिंक मैं वो जो था मैं वही था शो पर. और व्हेन पीपल लाइक जावेद अली, सोनू सूद, जो जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, अगर वो देख कर आ रहे हैं बिग बॉस एंड दे आर टेलिंग मी दैट आई वॉज गुड, तो कुछ तो अच्छा किया होगा.